नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 7:45 और ललियाली ही ललियाली छाई हुई है चारों तरफ, लाल लाल जग लाल लाल। ठीक है, US फ्यूचर हालांकि कल जितना दोपहर में देखा था उसके आसपास ही है। निक्के भी 27,000 अबव ट्रेडिंग कर रहा है और हैंगसेंग काफ़ी गिर गया, वो 25,000 की रेंज में आ गया, जबकि हैंगसेंग और निक्के दोनों आसपास होते थे। SGX निफ्टी देखें तो 16,380, ये 43 पॉइंट अप है कल जहाँ से क्लोजिंग हुई थी वहाँ से। ओके, ये है आपका एक बार। ठीक दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दिमाग में रखिएगा। अब देखो ओपन कहाँ होगा वो मैं नहीं जानता, 400 पे ओपन होगा, 420 पे ओपन होगा, 430 पे ओपन होगा। ठीक है, या अब बात करते हैं इसी के हिसाब से भाई, 380 के आसपास ओपन हो रहा है, क्योंकि हम लोग अब लेवल जो मैं बताऊंगा वो इसके आसपास के ही बताऊंगा। ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा तो सबसे पहली बात तो जब भी आपको अच्छा खासा गैप अप मिले ना, 70-80 पॉइंट का गैप अप, गैप डाउन मिले 70-80 पॉइंट, 100-150 पॉइंट, उसमें अगर आपने बाई चांस गैप अप में सी ले रखी है, गैप डाउन में पी ले रखी है, उसको एक तो इमीडिएटली बुक करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वो जिसके पास पुट है वो करे, जिसके पास सी है उसको एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है और वो उसमें निकल सकता है। ठीक है, अब फर्दर तेज़ी कैरी करने वाली वो जब तक नहीं होगी जब तक मार्केट 16,500 के ऊपर नहीं चला जाता। ठीक है, तो तब तक अब सी कैरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाइए आज क्या करना है। अगर मार्केट 380 को होल्ड रखता है, ठीक है, मतलब 380 का लेवल तोड़ता नहीं है, उसके ऊपर ट्रेड करता रहता है, तो आप 365 या 360, ठीक है, और कायदे से 350 ये ऐसे लगाइए और इंट्राडे के लिए बाई कीजिए 430-480 ये पॉइंट के लिए। ठीक है, और इन केस अगर 350 को तोड़ देता है तो आप ऐसे लगाइए 375 का ऊपर की तरफ और इसको शॉर्ट कीजिए नीचे के लिए, जहाँ पे आपको 285 और नीचे के लेवल और देखने को मिल सकते, 320, 285, देन 260 ये लेवल आपको नीचे को देखने को मिल सकते हैं, और 16,200 तक हो सकता है आपको एक बार दिख जाए आता हुआ। अब ख़राब ये उस दिन हो जाएगा जिस दिन 16,200 के नीचे क्लोज कर देगा, तब पुट कैरी करने का भी हम लोग सोच सकते हैं। समझ गए दोस्तों, 16,200 से लेके 16,500 के बीच में अब इसमें इंट्राडे ही बाई कीजिए सी और बाई कीजिए पी, कैरी करके मत चले जाना, ना पी ना सी, क्योंकि भाई मैं बिज़ी हूँ, मुझे अपना परिवार भी थोड़ा देखना है फ़िलहाल और नौकरी भी करनी है फ़िलहाल। फिर भी जो जो मैंने बोला उसको दोबारा सुनिए, उसको दोबारा समझिए। 380 को अगर होल्ड रखता है तो बाई कीजिए, 430-480 ये जो आपके टारगेट रहेंगे, और इनकेस 350 को नीचे तोड़ देता है तो सेल कीजिए और ऐसे लगाइए 380 या 375 जो भी आपको लगाना है, उसमें आपको 320, 285, 260 और 220-225 यहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर अच्छी खासी गिरावट होती है तो, 350 के नीचे, और अपना SL ट्रेल करते चले। ठीक है, 380 होल्ड रखे तो बाय करके चले, वो ऊपर के टारगेट जो मैंने बताए वैसे रहेंगे। तो यही था दोस्तों, बाकी चार्ट वाट पे कुछ दिखेगा तो वह एनालिसिस चार्ट पे ही होगा, फिलहाल लेवल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कहाँ पे बाई है कहाँ पे सेल है। थैंक यू सो मच।